जामा मस्जिद मोहम्मद सरवर कौनैन जो पड़कल में मौजूद है, आप हजरात को मालूम है, आप हजरात के ताउन से मस्जिद का काम चल रहा है। फिलहाल काम यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस मस्जिद में सिर्फ दो ही काम बाकी है, एक गुंबद का काम बाकी है और दूसरा ऊपर के फ्लोरिंग का काम बाकी है। आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते जाएं और अगर आप मस्जिद में 10 रुपये भी देंगे तो ता कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद में जितने भी नमाज पढ़ने वाले होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजियों के सदक़े में आपकी बेरा पार हो जाएगी। बरोज़े कयामत में अल्लाह तबारक व तआला इसका नफ़ा आपको अता करेगा। अगर आप मस्जिद में अगर चंदा देंगे या मस्जिद का काम कोई काम है आप वो करवाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में, मस्जिद के काम करने के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को, बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। ये मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है। मस्जिद में आप जितना भी लगाएंगे, अगर आप 10 रुपये भी मस्जिद में लगाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस 10 रुपये के सदके अल्लाह तबारक व तआला आपको बरोज़े कयामत में उसका भरपूर अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मस्जिद की भरपूर खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद के काम, तमाम काम हो चुके हैं इंशाअल्लाह। आप हजरात के ताउन से मस्जिद के काम यहाँ तक पहुंची है, आप हजरात और ताउन करता जाए, मस्जिद के गुंबद और फ्लोरिंग का काम जो बाकी है वो आप हजरात के सदके में वो भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के घर में अगर आप जितना भी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें वो नफा अता करेगा। और खुदा के घर में आप अगर किसी भी चीज, यानी मस्जिद में कोई किस्म की परेशान, मस्जिद में कोई किस्म की वजू खाने वगैरह वगैरह हर चीज आप ही हजरात के ताउन से हुआ है और मस्जिद ये यहाँ तक पहुंची है, मस्जिद कामयाबी हुई है आप ही हजरात की वजह से कि आप हजरात जो भी दिए हैं अल्लाह तबारक व तआला के मस्जिद यहाँ तक पहुंची है, आप हजरात दो काम मस्जिद में बाकी है, आप हजरात भरपूर ताउन करता जाए और मस्जिद के कामों को आगे बढ़ाता जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, अकीम सलाता व आतु ज़का, आप जितना अल्लाह के नाम पर खर्चा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उससे 10 गुना आपको अता करेगा। मौजूद सामने कराम वामा अलैना इल्ल बलाग।